तो सबसे पहले हमने ले लिए कुछ फ्रूट्स रास्ते में खाने के लिए। फ्रूट्स लेने के बाद फिर हम लोग निकल गए विशाल के कुछ काम के लिए। ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी में कुछ काम था, राजस्थान से इसको मटेरियल मंगाना था प्रोजेक्ट से रिलेटेड। यहाँ से फिर हम निकल गए धौलागिरी रास्ते, जहाँ पर एक शांति स्तूप बनाया हुआ है जिसको जापान बौद्ध संघ ने 1970 में बनवाया था। ये जगह जानी जाती है कलिंगा वॉर की वजह से, जो कि अशोका और अनंता पद्मनाभन जो कि किंग ऑफ कलिंगा थे उनके बीच में 261 BCE में लड़ा गया था। चलते चलते मौर्य डायनेस्टी पे बात कर लेते हैं, जो कि 324 से 185 BCE तक चला था, जिसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मूरा फैमिली से बिलोंग करते हैं। मूरा मतलब पिकॉक की रियरिंग करने वाले, जिनकी माता थी मूरा और पिता थे शकुनी, जिनकी वाइफ थी दूधरा। तो इनको कुछ लोग शूद्र बोलते हैं, कुछ लोग छत्री बोलते हैं। एक गजब का राजा था अपने समय का, जिसने डेक्कन एरिया को, महाराष्ट्र को, आंध्र प्रदेश को, कर्नाटक को, पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सबको कब्जा करके रखा था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना नाम की लड़की से शादी की, जो कि बेटी थी सेलेनस नेक्टर का। ये वही है जिसको अलेक्जेंडर ने काउंसलर बनाया था पंजाब को। ये आदमी ग्रीस का था जो कि इंडिया में रहता था। इन्हीं के समय में एक चाणक्य हुआ करता था जिसको इन्होंने चीफ एडवाइज़र बनाया था। उसने अर्थशास्त्र नाम की एक किताब भी लिखी थी उस टाइम में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो टैक्स था उसको भागा बोला जाता था, करेंसी पन्ना हुआ करती थी, और ये फॉलोअर था जैनिज्म का। इसके बाद आया इसका बेटा बिंदुसार, जो कि गजब खतरनाक आदमी था भाई। इसने दुश्मनों की पूरी तहस नहस मचा दी। इसने 16 किंगडम को कैप्चर किया और मगध एम्पायर में मिलाया था। इसके सर पे जहर की एक बूंद थी, जो कि इसकी माँ ने इसके बाप का जूठा खा लिया था, जिसको जहर दिया जाता था ताकि वो ज़्यादा रेजिस्टिव बने, दुश्मन कोई मार ना सके उसको। इसी के समय काल में चाणक्य को इसका एक मंत्री शुभेंदु ने जिंदा जला दिया था। बिंदुसार चाहता था कि सुषमा को राजा बनाया जाए, लेकिन जैसे अशोका को पता चला, अशोका ने सुषमा को सीधे जला ही दिया। अशोका का कहा जाता है कि अशोका ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की मौत की थी। ये एक किताब में लिखा हुआ है। सह बढ़िया वाले, कुछ दो इंट्रोडक्शन दो इसका, कुछ तो बोलो। तुम्हारी धरोहर है, तुम्हें तो पता होना चाहिए। सो फाइनली हम लोग आ गए शांति स्तूपा पे, जहाँ पे बौद्ध जी की मूर्ति अलग अलग अवस्था में बनाई गई है, जिसमें वो देखे गए हैं अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए, सोए हुए, ध्यान लगाए हुए। ये स्तूपा शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पे बसा हुआ है। हम लोग सीधे मंदिर स्तूपा की तरफ बढ़ गए। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे चप्पल। भाई ये जगह तो शांति की प्रतीक है, पर इस शांति के लिए पहले बहुत कुछ अशांत किया गया था यहाँ पे। ये स्तूपा के पीछे आपको नदी दिख रही होगी, जो दया नदी थी, जिसके घाट पे, जिसके किनारे पे कभी 25 लाख लोग बिछे हुए थे। पूरा पानी इसका लाल हो चुका था, इतने लोग मरे थे यहाँ पे। चलेंगे चलेंगे, वापस चलते हुए आपको अशोक चाचा के इतिहास के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जब इनको एहसास हो गया कि बहुत गड़बड़ हो गया, खून खराबा हो गया, नुकसान हो गया, तब इन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया। और बुद्धिज्म जब अपनाया तो बनवाया 84,000 स्तूपा। इन्होंने जानवरों को मारना, इंसानों को मारना, चिड़ियों को मारना बैन कर दिया, गैदरिंग बैन कर दी थी इन्होंने। हॉस्पिटल बनवाया इंसानों का, जानवरों तक का हॉस्पिटल बनवाया। बुद्धिज्म को फैलाने के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संगमित्रा तक को लगा दिया। अशोका ने सारनाथ में आके सारनाथ पिलर बनवाया, वही जो नेशनल एम्बलम है हमारा, जिसमें 4 लायन दिखते हैं। ये है मौर्य डायनेस्टी के आखिरी वंशज श्री श्री शिवशंकर मौर्य, उस मोटा भैया। इनको देख के लग नहीं रहा है कि वंश आगे बढ़ेगा। चलो भक्ति कर रहे हैं।
यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ हम सामान खरीदे, मोटा एक टोपी खरीदा, फिर हम लोग यहाँ से अब आगे निकल गए। हम जा रहे हैं एक पुराना मंदिर देखने के लिए जो कि 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। शंकर भगवान का ही मंदिर है जिसको यहाँ पे भैरंगेश्वरा मंदिर बोलते हैं। तो मंदिर हो गया था बंद क्योंकि भगवान के सोने का समय हो गया था, तो हमने किया बाहर से हर हर महादेव और निकल पड़े किसी अगले मंदिर के लिए। सो वेलकम बैक, फाइनली हम लोग आ गए राजा रानी मंदिर के पास। तो अभी हमें उस साइड जाना होगा, अभी टिकट भी लेना होगा, यहाँ टिकट लगता है अंदर जाने के लिए। तो सामने गाड़ी खड़ा तो है दर्जों में। इस मंदिर को 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। सुमस्वामी किंग कोई उस टाइम की डायनेस्टी का एक राजा था इंद्रवर्मन, उसने इसको बनवाया था। इसको राजा रानी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर येलो रेड सैंडस्टोन के पत्थर लगाए गए थे, उनको लोकली राजा रानी बोला जाता था। और ये मंदिर खजुराहो का एक मंदिर है कंदरिया महादेव टेम्पल करके, उससे रिजेंबल खाता है। इस मंदिर में दो भाग हैं, एक सामने का एक पीछे का। जो सामने का छोटा मंदिर है उसको बोलते हैं जगमोहन, और जो पीछे बड़ा सा मंदिर है नियरली 18 मीटर का उसको बोलते हैं विमाना। सो फाइनली राजा रानी मंदिर देखने के बाद हम लोग निकल गए अब स्विगी फूड फेस्टिवल के लिए। तो रास्ते में एक आग बारिश हो रही है, शायद आगे चल के हम लोग कहीं फंसे। एज एक्सपेक्टेड हम बारिश में फंस ही गए, बारिश कुछ ज़्यादा तेज़ हो रही है। देखो कब तक होती है, कब तक रुका रहना पड़ता है यहाँ पे। हम लोग को फेस्टिवल के लिए भी लेट हो रहा है, पूरी शाम हो चुकी है। सो बारिश कुछ कम हुई थी और हम लोग निकल गए थे फेस्टिवल के लिए। फाइनली हम लोग इंटर कर चुके हैं ग्राउंड में, जा रहे हैं फेस्टिवल देखने के लिए। तो हम जा रहे हैं पार्किंग जोन में, स्कूटी खड़ा करेंगे वहाँ से, फिर टिकट दिखाएंगे, अंदर जाएंगे। चलो फिर दिखाते हैं आपको फेस्टिवल पूरा। मंटू चूरिया उड़ीसा के लिए खेसारी के बराबर है, बिहार और यूपी के लिए जैसा खेसारी लाल वैसा मंटू चूरिया उड़ीसा के लिए है। यहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं उससे, संबलपुर से जो लोग भी आते हैं, रिमोट एरिया से जो आते हैं। Thank you.
नहीं समझ तो कुछ नहीं आ रहा, पर मजा खूब आ रहा है।